बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आइए आज का मज़ेदार सा व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमने जी मूवी का प्लान बनाया। हम सब कज़न्स ने कहा कि भाई हम सब मूवी मिलकर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो फिर चलते हैं। मूवी दो टाइम की लग रही थी, एक 5 बजे की लग रही थी और 8 बजे वाली लग रही थी। और आज मूवी सिनेमा में जट एंड जूलियट 3 लग रही थी, और ये न्यू मूवी आई है और बहुत मज़े की, बहुत कॉमेडी भी है। तो अभी सब कज़न्स मेरे पहले ही पहुंच चुके थे और हमने फिर राइड बुक कराई हम फैमिली ने, और हम अभी जा रहे थे। और ये देखिए राइड हमने करवाई थी और हम अभी पहुंच चुके हैं। और अभी हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे, तो हम जल्दी जल्दी बस पहुँच रहे थे कि मूवी की स्टार्ट ना हो जाए। पहले हमने टिकट्स ली और फिर हम अंदर अभी एंटर हो चुके हैं। मेरे जो बाकी कज़न्स थे वो सब पहुँच चुके थे, और हमारा स्क्रीन नंबर हमारी 5 थी, तो हम जल्दी पहुंच ही गए थे। अभी बस नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा था और सब खड़े हुए हुए थे, और फिर हम पहुंच गए थे। और अभी देखिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और अभी लाइट्स ऑफ हो गई हैं और मूवी स्टार्ट हो गई है। बहुत मज़े की थी, बहुत कॉमेडी मूवी थी। हमारे तो हर सस के पेट में दर्द हो गया था। और जो मूवी के सॉन्ग थे वो भी अच्छे थे, लेकिन उनमें से मुझे सिर्फ एक ही सॉन्ग पसंद आया, वो आगे आएगा। और इसकी मतलब स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़े की थी। और जो एक्टर थे वो तो मेरे हैं ही फेवरेट, ये दोनों मेरे एक्टर बहुत फेवरेट हैं, और दिलजीत और नीरू बाजवा, ये मुझे इनकी मूवीज़ बहुत पसंद है। मैंने पहले भी इनकी मूवीज़ देखी हुई हैं, और इससे पहले मैंने सिनेमा में लास्ट टाइम कैरी ऑन जट्टा 3 देखी थी जो लेटेस्ट आई थी, और अभी ये मूवी थी। तो फिर हमने सोचा कि हम यही वाली देखते हैं। और ये मूवी 8:15 स्टार्ट हुई थी और 10:15 बजे तक ख़त्म हो गई थी, और बहुत मज़ा आया था। हमने बैठ के देखा और बहुत इंटरेस्टिंग था। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा कोई भी नया व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपने ये मूवी देखी है कि नहीं, मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। बहुत कॉमेडी मूवी है और बहुत अच्छी है, मतलब बहुत मज़ा आया हमें देखने का। और ये इसमें तो दोनों होते ही पुलिस वाले हैं, तो ये ज़्यादा कॉमेडी और मज़े की थी। हम सब हंस हंस के कैरी ऑन जट्टा जो 3 देखी थी उससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये मूवी लगी। और ये वो सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे ये सबसे ज़्यादा मुझे मज़े का सॉन्ग अच्छा लगा था, और फुल HD था। और ये हीरोइन तो मेरी फेवरेट है, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आया इनकी मूवी देखने का। और आपने देखी है कि नहीं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और इसमें जो इनकी लुक थी वो और ही मुझे अच्छी लग रही थी, माशाल्लाह बहुत ये प्यारी हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ये अच्छी लगती हैं। आपको फीमेल पंजाबी एक्ट्रेस कौन सी पसंद है मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। मेरी तो नीरू बाजवा बहुत मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मुझे इनकी मूवीज़ देखने का बहुत मज़ा आता है। आपको कौन सी अच्छी लगती है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और अभी हो चुकी है जी ब्रेक, मूवी के सेंटर में ब्रेक हुई थी कि कुछ खा पी लें, और भूख भी बहुत लग रही थी, तो इसलिए अभी ब्रेक हुई है। और मैं, मेरी छोटी बहन अपनी सीट पर बैठे हैं, मामा और पापा दोनों गए थे बाहर कैंटीन वगैरह सब कुछ लेने के लिए। भूख काफ़ी लग रही थी क्योंकि बिल्कुल डिनर का टाइम था, तो भूख तो लगनी थी। हम घर से खाना नहीं खा कर रहे थे क्योंकि टाइम ही ऐसा था मूवी का। हमने कहा था कि चलो बाद में डिनर बाहर ही कर लेंगे, इसलिए फिर हमने बाहर, मूवी तो लेट ख़त्म होनी थी, इसलिए फिर हमने सोचा हम बाहर करेंगे। और इससे पहले जी पापा कोल्ड ड्रिंक लेस वगैरह ये सब कुछ लेकर आए थे, और कोल्ड ड्रिंक इतनी ठंडी थी, ऊपर से AC इतना मतलब फास्ट था, AC मतलब फुल मेरे पाँव ठंडे हो चुके थे, और साथ पे फिर पापा इतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे। और ये देखिए ये भी हम सब कुछ खा पी रहे हैं क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। मैंने लेज इतना नहीं खाया, मुझे आपको पता है कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक फुल पीती हूँ। और अभी इस वक्त मूवी बस एंड ही थी, मतलब अभी बस आधी हो चुकी थी, और आगे मतलब थोड़ा इमोशनल सीन थे। स्टार्ट से बहुत कॉमेडी थी और एंड पे थोड़ा इमोशनल सीन हुआ था, लेकिन एंड पे इनकी एंडिंग बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई, एंड बहुत अच्छा था। थोड़ा मतलब सेंटर में इमोशनल था, और फिर एंड पे बहुत मतलब बहुत अच्छा इन्होंने एंड किया था, और बहुत मुझे हमें पसंद भी आई। सेंटर में थोड़ा इमोशनल सीन चला और एंड पे फिर हम भी बहुत खुश हो गए कि बहुत अच्छी एंडिंग हुई है, और सब ने बहुत इंजॉय किया, फुल हॉल था। और फिर उसके बाद जी मूवी अभी ख़त्म हो चुकी है और हम अभी बाहर आ गए हैं, और हमने अभी सोच रहे थे कि हम कौन सी कौन सा खाना क्या खाएं। मैकडोनल्ड्स भी था, KFC सब कुछ था।
और उसके बाद सब कज़न्स ने मतलब बर्गर वगैरह ही खाए थे। और ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। और आपने प्रीवियस व्लॉग अगर नहीं टूर का देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।